जय हिंद जय भारत भैया, काहे का जय हिंद जय भारत भैया, हम मानेंगे ही नहीं जय हिंद जय भारत। अब वो भी काहे के पूछ रहे हो जय हिंद जय भारत भैया, क्योंकि आज 15 अगस्त है भैया, इसीलिए हमने पूछा जय हिंद जय भारत भैया। अरे नहीं, हम कैसे माने, आज ही का दिन तो हम जय हिंद जय भारत कहते हैं झंडा उड़ा के, और उसके बाद फिर हम साल भर भूल जाते हैं, और हम इसीलिए हम नहीं मानेंगे जय हिंद जय भारत भैया। हम आज जय हिंद जय भारत करते हैं, 10 दिन महीने के 2 दिन के बाद हम भूल जाते हैं, झंडा को वही लहराते हैं, आज जय हिंद जय भारत करते हैं, अभियान से ले जाते हैं झंडा को लहराने के जगह पर हमने लाते घुसा मार फूट के फेंक देते हैं, फार फूर के उसी से नाक पोछते हैं, उसी से बदन पोछ लेते हैं, तो हम काहे के जय हिंद जय भारत भैया। हम सम्मानित करते हो ना, तो हम इंसानियत इंसानियत दिखाना चाहिए, और वो भी हम जात और पात सब चीज़ों में रखते हैं, और जय हिंद जय भारत के वक्त पर सब जय हिंद जय भारत, मैं गालियाँ अगर दे देता हूँ तो हैं साला गालियाँ देता है, तो हम हिंदुस्तानी का कदर ही कहाँ है, तो क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं। तो भैया हम यही कहेंगे, अगर हिंदुस्तानी हो तो झंडा को लहराना अगर चाहते हो, हिंदुस्तानी कहते हो, तो एक साथ मिल के बोलो जय हिंद जय भारत भैया। और ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को कि उसको कभी भी लाते और घुसा नहीं फेंकना चाहिए, और हर वक्त उसका सम्मानित करिए, जैसे आज 15 अगस्त है, फिर 26 जनवरी आएगा, उसी वक्त हम हमेशा जैसे आज सम्मानित करते हैं, उसी तरीके आज हम सम्मानित करने के बाद झंडा लहराने के जगह जो नीचे फेंकते हैं उसको अच्छे जगह हम टांग के उसका हमेशा सम्मानित करना चाहिए। और पहचान तो हम पहले छुपा लेते हैं, पहचान यही चीज़ आज सम्मानित करते हैं, और कल के दिन हमारे घरों में एक भी झंडा का नज़र नहीं आता तो काहे का हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी अगर हैं तो हर एक घर में हमेशा 24 घंटा एक झंडा जरूर होना चाहिए। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जय हिंद जय भारत।